हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं फोटो फ्रेम। ये फोटो फ्रेम मैं जब कुछ दिन की छुट्टी थी तब मैंने बनाया था योगा फ्रेम। तो सबसे पहले मैं अपना आर्ट किट हर काम के लिए सबसे पहले मैं यूज करती हूँ पेंट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पेंट, और पेंट बिना ब्रश पानी के तो यूज हो नहीं सकता। सो पोस्टर कलर के साथ मैं ये पैलेट कलर भी ले लेती हूँ, क्योंकि पोस्टर सिर्फ 5 है। पैलेट नंबर 2, और क्या ले सकते हैं हम लोग, हमें अपनी आर्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। एंड ग्रीन स्पार्कल कलर पेपर्स, मैं ये स्मॉल पेपर्स वाला बॉक्स निकाल रही हूँ, बिना ग्लू के काम कैसे लेगा। फिलहाल बाकी की चीजें मैं बाद में निकाल लूंगी, पहले से पता नहीं रहता क्या क्या यूज होने वाला है। एंड डेकोरेशन के लिए जो मोती वगैरह यूज होंगी वो भी मैं बाद में ही निकालूंगी। सो हमारे सबसे पहले हमें इस फोटो के साइज का, फोटो के साइज से 1 सेंटीमीटर बिग का एक पेपर कट करना है। तो सबसे पहले मैं कैमरा फिट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं हम लोग अपनी वीडियो। सो यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर लिया है, तो ठीक है। अब लाओ ये, तो ठीक है, ये फोटो है। एंड लाओ ये इस साइज के, इसे 1 सेंटीमीटर बिग में हम लोग इसका पेपर कट करेंगे। मतलब काम भी तो देखो मेरा, बिना पेन पेंसिल इरेजर लिए मैं क्राफ्ट करने बैठ गई। मैं लेके आती हूँ। सो ये मैंने ले ली है पेंसिल, एंड नाउ इधर से 1 सेंटीमीटर, एंड नाउ इसको कट करना है। सो वही पुराने ट्रिक, ये मैंने कट कर लिया है। एंड नाउ 1 सेंटीमीटर ईच साइड से हमें लाइन खींचनी है, वही उसी तरह से आप भी बनाओ। सो ये देखिए फोटो की साइड से 1 सेंटीमीटर मैंने पूरी हर साइड से बड़ा कर लिया है। एंड नाउ अब हमें ये इसी ऐसे ही सेम साइज एक और कट करना है। सो ये मैं कर लेती हूँ, एंड तब तक सो ये मैंने कट कर लिया है। ओह सॉरी, यह मैंने 2 पीसेस कट कर लिया है। नाउ वी नीड एन कार्डबोर्ड, सो मैं कार्डबोर्ड भी लेके आती हूँ। सो ये मैंने ले लिया है एक, ये मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, इसको पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं। सो ये मैंने कट कर ली है स्ट्रिप्स, एंड ये उतनी ही बड़ी है जितनी, इतनी मोटी है जितनी, जितना फोटो फ्रेम का बॉर्डर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड नाउ इसको हम लोग को इन पेपर्स के ऊपर स्टिक करना है। सो ये भी स्टिक कर लेते हैं। नाउ जो फालतू हिस्सा है उसको हमें कट कर लेना है। सो ये भी कट हो गया। एंड एट लास्ट हमें इसका फ्रेम ऊपर का कट करना है, ये जो बॉर्डर है। लेकिन इफ़ यू वांट सो इस पर रिबन भी लगा सकते हैं। हमारा पहले वाला फोटो फ्रेम देखते हैं वो कैसा है, ये कुछ इस टाइप का है। सो अभी जो है ये 1 सेंटीमीटर का हमने बॉर्डर कट किया था, इससे बस थोड़ा सा 1-2 mm के आगे हमें ये कट करना है। नाउ अब इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखिए बॉर्डर से मैंने 1-2 mm का आगे ये कट किया है, एंड अब मैं इसको पेस्ट करूँगी, कर लेती हूँ। यस, जब हम लोग फोटो फ्रेम बना रहे हो तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक साइड से खुले रहने देना है हमको, ताकि इससे फोटो अंदर जा सके। 3 साइड्स पे मैंने लगाया है कार्डबोर्ड, एंड एक साइड मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है ताकि यहाँ से फोटो इनसाइड हो सके। और यहाँ जहाँ से आप ओपन छोड़ेंगे आप साइड से भी कर सकते हो, दोनों साइड्स, या फिर ऊपर से। नीचे से मत कीजिएगा, वरना फिर अगर नीचे से करेंगे फोटो डालते ही फिसल जाएगी।
यही प्रॉब्लम मैंने इसमें की थी, इसलिए मैं सेकेंड फोटो फ्रेम बना रही हूँ ना। अब जो इस पर हमें करना है वो हमें इसके ऊपर रिबन लगाना है। यू कैन यूज एनी कलर ऑफ रिबन और एनी थिंग्स टू डेकोरेट इट। सो मैं इसके ऊपर रिबन लगा लेती हूँ। डन। सो हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें बनाना है एक 3-4 स्टिक्स जो कि बनेगी इतने छोटे से पेपर से। मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब बनाना आते ही होगा बिकॉज दिस इज सो ईजी। स्पाइरल की वजह से कितना खराब हो गया है। एट द एंड हमें ग्लू लगाना है एंड स्टिक इज रेडी। फिर मैं मिलती हूँ। सो ये मैंने 4 स्टिक्स बनाई है। एज यू कैन सी 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। बाय द वे सारी सेम ही साइज की। एंड नाउ अब इसको हमें स्टिक करना है। ये यहाँ से फोटो फ्रेम डलता है मतलब फोटो डाली जाएगी। सो यहाँ पर 2 स्टिक्स एंड 2 यहाँ पर। सो इन दोनों को मैं स्टिक कर लेती हूँ। नाउ जो मैंने अपने टूल बॉक्स से ग्रीन स्पार्कल निकाला था अब उसका यूज है। इस पे हमें 2-3 लीव्स ड्रॉ करनी है एंड उसको कट ऑन करना है। तब तक के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। नाउ यहाँ पर लीव ड्रॉ करते हैं। वन लीव कट हो गई है, सेकेंड भी इसी साइज की कट कर लेते हैं। ये मैंने 2 लीव्स कट कर ली है एंड ये कुछ इस तरह से पेस्ट होंगी। अब हमें बनाना है एक फ्लावर। ज़्यादा सा फ्लावर निकाल लिया है एंड ये कुछ इस तरह से रहेगा। क्यूट लग रहा है ना। ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर इसके कॉर्नर पे मैं पेस्ट करूँगी ये फ्लावर। सबसे पहले मैं ये पेस्ट कर लेती हूँ जो लीव्स मैंने बनाई है। ये फ्लावर कैसे बना है ये जानना है सो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ना अब जो ये 2 बॉर्डर्स बचे हुए हैं इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। नॉट ब्लैक, इट्स ब्राउन। ब्राउन कलर से पेंट कर देते हैं। आई एम द आर्टिस्ट। बदबू में झूक कर रही थी। अच्छा बताओ कमेंट में किस किस को पता है कौन से पोस्टर कलर्स को मिक्स करने पे, कौन से 2 कलर्स को मिक्स करने पे ब्राउन बनता है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कौन से 2 कलर्स को मिक्स करने के बाद ब्राउन बनता है एंड आपके पास सिर्फ ये 5 कलर्स है मिक्स करके ब्राउन बनाने के लिए। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो क्योंकि वीडियो का एंड ना हो जाए। और मैं ये पेंट कर लेती हूँ। सो गाइस ये मैंने पेंट कर लिया है एंड मेरे पास 4 डिफरेंट कलर्स के स्पार्कल पेपर्स हैं। सो मैंने क्या सोचा है कि इन 4 कलर्स ऑफ शीट से मैं कट करूँगी लीव्स एंड देन मैं बात बताऊँगी। सो पहले इन से लीव्स को कट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने 6 पीस ऑफ लीव्स कट किए हैं फ्रॉम ईच पेपर। 2 लीव्स फ्रॉम ईच पेपर, इसीलिए यहाँ पर 6 हुए। सो यू कैन सी। एंड नाउ इसको पेस्ट क्या करना है ये अब मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं 2 लीव्स लूँगी, वो यहाँ एंड पर करूँगी। 2 लीव्स मैं लूँगी जो कि ग्रीन है, वो मैं इस वाले एंड पे पेस्ट करूँगी। 2 लीव्स मेरे पास 4 लीव्स लेफ्ट है सो यहाँ पर 2 पेस्ट करूँगी ग्रीन के पीछे एंड 2 ब्लू के पीछे। सो अब ये जो खाली पेस बचा हुआ है इस पे हम लोग क्या करेंगे वो अब मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ पेपर।
एंड नाउ इसको उसी तरह रोल करेंगे जैसे हमने ये फोर पेपर रोल किए थे। तो वीडियो लॉन्ग होती जा रही है इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कट कर रही हूँ। एंड अब इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। वो बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, नो फिगर की सेम साइज के हो। सो ठीक है, मैंने ये स्मॉल पीसेस कट कर लिए हैं। एंड अब जो है इसको यहाँ एट द डाउन हम पेस्ट करेंगे। ये मैंने पेपर से बनाया था, पर और ज़्यादा इजी करने के लिए आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। सो अब मैं कार्डबोर्ड को स्मॉल पीसेस में कट करके वो इस पर स्टिक करूँगी एट द टाउन। सो गाइस ये कंप्लीट हो गया है एंड जस्ट कुछ थिंग्स बची हुई है इसमें, जो कि है यहाँ ये चीज़ खाली है एंड हमें इसको डेकोरेट करना है विद सम बीट्स, मोती जो भी कह लो। सो ये रहा मेरा पुराना मोती वाला ड्रॉअर। सो अगर आपको ये ड्रॉअर बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पे जाइए एंड देख लीजिए। सो यहाँ पर मैं वाइट बीट्स यूज कर रही हूँ सबसे पहले फ्लावर के सेंटर में। एंड गाइस ये जो आप सेंटर में देख रहे हो वो नॉर्मल पेंट से हुआ है एंड मैंने अपने फिंगर का यूज़ किया है। सो डोंट से दिस दैट कि मैंने बताया नहीं, आप भी अपने फिंगर से बना लीजिए अपने हैंड का बिना यूज़ किए। आई मीन हैंड का यूज़ करके, पर सिर्फ एक फिंगर से मैंने ये बनाया है एंड पीछे ग्रीन पेंट कर दिया है। एंड नाउ आई एम यूजिंग ब्लू पिंक कौन सी यूज़ करूँ, पिंक का यूज़ पूरी इसमें हुआ नहीं है। सो आई एम यूजिंग ब्लू, इसको यहाँ वुड्स के ऊपर, सॉरी पेपर के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो गोल्डन और वाइट बीट का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ग्लू से स्टिक कर देती हूँ 2 सेकंड रुक के। एट द एंड माय फ्रेम इज कंप्लीट। एंड इसके बाद जहाँ पर मैं बैठ के ये सब कुछ बना रही थी उसकी हालत मैं आपको दिखाऊंगी। एंड सबसे पहले मैं यहाँ टॉप से ये फोटो इसमें डाल देती हूँ। टेल मी हाउ इज इट लुकिंग। एंड सबसे मेन चीज़ तो हमने बनाई ही नहीं। सो ये तो बैड प्लेस है, मैंने ये गोल्डन रिबन लिया है येलो कलर, इसको जो है कट करते हैं स्मॉल थोड़ा सा। एंड पेस्ट इट। इतने अच्छे से पेस्ट कर लो कि ये निकलने का नाम ही ना है। सबसे पहले ग्लू से, फिर ग्लू के ऊपर थोड़ा सा पेपर पेस्ट कर दो। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट कर दिया है एंड फाइनली इसके ऊपर टेप पेस्ट कर देते हैं। This is for hanging or you can paste it. Can I show you? क्या मैं आपको दिखाऊँ? वैसे यहाँ इस साइड पर मैं फैमिली लिखने वाली थी, पर वीडियो ऐसे ही लॉन्ग हो रही थी तो मैंने इस पर बीट्स यूज़ की है। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू मेरे कमरे की हालत कैसी हुई है जहाँ पर मैं बैठी थी। सो ये पूरी हालत है यहाँ की, बुरा काम हुआ है ये, अभी मुझको साफ भी करना पड़ेगा। एंड ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।